हेलो फ्रेंड, मैं सकीना खान सखी गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पत्थर चट्टा का पौधा है। देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पौधा बहुत अच्छा होता है। इसके पत्ते थोड़ा मोटे होते हैं और ये पौधा सीधा सीधा लगता है, यानी इसकी डालियाँ इधर उधर नहीं जाती हैं, एकदम स्ट्रेट होता है ये। देखिए, पत्थर चट्टा एक पौधा बहुत अच्छा होता है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसे लगाना बहुत आसान होता है फ्रेंड। देखिए, चाहे तो आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं, या फिर आप एक आसान तरीका और है, इसके पत्ते को तोड़कर अपने गमले में बिछा दें, यानी डाल दें, या ज़मीन में कहीं पर भी जहाँ कच्ची ज़मीन हो वहाँ डाल दें अपने गार्डन वगैरह में। 8 दिन में इसमें से नए अंकुरित पौधे तमाम निकल आते हैं, फिर उन पौधों को निकाल कर आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है इसका, बस उसमें थोड़ा सा नमी रहना चाहिए, पानी को छिड़कते रहना चाहिए, 8 दिन में पौधा बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसे निकाल के आप चाहे गमले में डालें, या गार्डन में डालें, या अपने लॉन में लगाएं, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। ये पौधा बहुत अच्छा होता है, देखिए फ्रेंड। और इसमें एक खासियत होती है, जो वैसे आम पौधों को लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके तो पत्ते डाल दो, अपने अपना आराम से हो जाता है। देखिए फ्रेंड, और एक नहीं, उसमें बहुत से पौधे निकल आते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, इसका नाम जैसे पत्थर चट्टा है, तो ये बहुत काम का है फ्रेंड। अब देखिए, मैं इसके फ़ायदे बता रही हूँ आपको। आयुर्वेद में पत्थर चट्टा के पत्तों को रोज़ खाने से गुर्दे की पथरी टूट कर निकल जाती है, चाहे गुर्दे में पथरी हो या पित्त की थैली में हो, ये पथरी आराम से निकल जाती है। इसके पत्तों को धुल के सुबह शाम दो दो खाना चाहिए, और खाने के बाद करीब 1 घंटे के बाद में ही कुछ खाएं, 1 घंटे तक आप कुछ ना खाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आप पत्ते खा रहे हैं, तो इसमें जैसे आप चावल हैं या कोई भी बादी चीज़ गोभी वगैरह है, तो उनको आप ना खाएं, या कोई भी फ्रूट है फल उनको ना खाएं, जिससे इसका असर ख़त्म हो जाता है। देखिए फ्रेंड, देखिए, और पित्त की थैली में अगर पथरी है, तो सुबह शाम इसको दो दो पत्ते डेली खाएं, या इन पत्तों का जूस निकाल के थोड़ा अजवाइन डाल के उस जूस को आप पिएं। तो कैसी भी पथरी होगी, चाहे मूत्राशय में होगी, या पित्त में होगी, या गुर्दे में होगी, पथरी आसानी से टूट के निकल जाएगी। देखिए फ्रेंड, और देखिए फ्रेंड, ये पौधा बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, करीब 2 फुट का होता है। इसके पत्ते भी अच्छे होते हैं, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सखी गार्डन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है फ्रेंड, ओके, बाय।